राधे राधे प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल जी हैं तो आपको भी इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि जब भी आप सुबह लड्डू गोपाल जी को उठाएं तो ताली बजाकर या घंटी बजाकर उन्हें उठाना चाहिए, और उन्हें कभी भी खाली पानी में स्नान नहीं कराना चाहिए। उनके पानी में तुलसी, गंगाजल या फिर पंचारण से उन्हें का स्नान कराना चाहिए। तीसरी बात, आप जब भी उन्हें भोग लगाएं तो उनके भोग में तुलसी ज़रूर डालें, और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि रविवार को तुलसी या फिर एकादशी के दिन तुलसी ना तोड़ें। लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करते समय उन्हें इत्र और उन्हें आईना ज़रूर दिखाएं, उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। और गर्मी में लड्डू गोपाल जी के पास पानी अवश्य रखें और उसमें तुलसी ज़रूर डालें। और सुबह लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद उनका पूजन अवश्य करें। घर में अगर आप कोई भी फल लाते हैं तो सबसे पहले उन्हें भोग लगाएं। लड्डू गोपाल जी को जब भी आप अपने घर लाएं तो एक श्रद्धा प्रेम भाव से उन्हें घर लाएं और उनकी सेवा करें। जिस दिन भी उन्हें अपने घर लाएं तो उस तारीख को ज़रूर याद रखें। हर साल उस दिन उनका जन्मदिन अवश्य मनाएं। मैंने सुना है कई लोग बोलते हैं कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत करते हैं पर हमें कोई भी फल नहीं मिलता। तो मैं उन सभी भक्तों से यही कहना चाहूँगी, सिर्फ कर्म किए जा, फल की इच्छा न कर। अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर कमेंट में राधे राधे लिखना, और मैं अगले कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। अभी जन्माष्टमी आने वाली है, जन्माष्टमी का व्लॉग बनाऊं, तो जैसा भी है आप मुझे कमेंट में बता देना। आपके डिमांड पे मैं वैसी ही वीडियो लेके आऊँगी। आपने मेरी यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस भगवान सबका भला करें, आपके घर में ढेर सारी खुशियां हों, आपकी सारी इच्छा और मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएं, आपके माता पिता भी स्वस्थ रहें और आपके हमेशा साथ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय, राधे राधे।